माई चैनल और गुड इवनिंग। अभी 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वो मैं भी आपको नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, सस्पेंस है, आप आगे वीडियो में देख लीजिएगा। तो सब लोग तैयार हैं, मैं दिखा देती हूँ अभी जाने के लिए। ये मेरी बड़ी भतीजी है और ये भतीजा है और ये तो कृष्णा है, जानती हूँ आप। और ये नीचे, और ये कहाँ है, भाभी आ गई, ये भाभी है और वो छोटी भतीजी है। सब लोग तैयार बैठे हैं और बाकी बच्चे जो हैं गाड़ी के इंतजार में हैं, तो बस अभी चलते हैं हम तो चलिए वहीं जाके मिलेंगे आप लोगों से, आप भी हमारे साथ चलिए। पर हाँ, एक बात शोर है, ऐसी जगह मैं आपको लेके जा रही हूँ आज कि शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। वो जगह बहुत ही अच्छी जगह है और ये ब्रज में ही मिल सकता है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, और कहीं नहीं। तो चलिए चलते हैं फिर। हम चल दिए हैं फ्रेंड्स, और सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखना, क्योंकि आप स्किप करके बहुत कुछ मिस कर दोगे इसमें। और ये ऐसी मैं आपको ऐसी जगह ले जा रही हूँ आज मैं कि आप देख करके रुक नहीं पाओगे और बोलोगे हमें भी वहाँ जाना है। इसलिए तो चलिए चलते हैं, और अभी पहुँचने वाले हैं हम वहाँ। तो हम लोग आ गए हैं जहाँ पे ये मंदिर है, ये है गोकुल में जहाँ कृष्ण भगवान की जन्म के बाद आए थे कृष्ण भगवान। तो ये यहाँ पे सबसे पहले पार्क बना हुआ है जिसमें बहुत सारे हिरण, ऑस्ट्रिच, बहुत सारे मतलब जानवर रहते हैं इसमें, काफ़ी हजारों की संख्या में रहते हैं। और उसके बाद हम आते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है। अगर प्रकृति की सुंदरता आपको देखनी है तो यहाँ पे आना बनता ही है, क्योंकि यहाँ इसको ब्रज का स्वर्ग कहा जाता है सच में। मतलब यहाँ ना कोई चीज़ बनावटी नहीं है, सब नेचुरल है, प्रकृति से रिलेटिव है सारी चीज़। और आप रुक नहीं पाओगे, अगर इसको एक बार देख लोगे तो आप भी कहोगे कि बार बार आने का मन करेगा आपका। इसलिए मैं यहाँ पर आपको लेके आई हूँ। तो यहाँ पर सब लोग हैं, हम भाभी, बच्चे, ये सब हैं, भैया है छोटा। और तो हम लोग इधर आ गए हैं, आप इसकी सुंदरता देख लीजिए। मैं पूरा तो कर ही नहीं पाई, इसलिए तो कुछ भी नहीं है जो मैंने इसमें आपको दिखा रही हूँ, इतना ही मैं ले पाई थी, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी थी और शोरगुल तो काफ़ी हो ही रहा था। तो यहाँ पे अब हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएँ की थी, खेला करते थे यहाँ पे आके। तो इधर हम मंदिर में आ गए हैं, काफ़ी बड़ा मंदिर है यहाँ। आप जब भी आओगे आपको इतना ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत लोग बाहर से आते हैं, अदर स्टेट के बहुत सारे लोग आते हैं। ये मंदिर है जहाँ रमण बिहारी की मूर्ति है, राधा रमण बिहारी की, और ये जगह भी रमण रेती के नाम से जानी जाती है। अब इसके हम बाद में आते हैं रमण रेती में, इसका मतलब होता है ये रेती जो होती है ना बड़ी पवित्र होती है, बहुत शुद्ध होती है। यहाँ कृष्ण भगवान इसकी मिट्टी में खेलते थे, और यहाँ ऐसा माना जाता है कि इसकी रेती में अब अगर हम लेटते हैं और अपनी चरण और मस्तक से लगाते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं, हमारे सारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ देखिए आप किस तरह से लोग बैठे हुए इसकी रेती में खेलते हैं, अपना घर बनाते हैं। यहाँ अगर घर बनाते हैं तो हमारा जो घर बनाने का सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। और मैं अभी आपको ये मतलब मैंने किया तो था रिकॉर्ड पूरा कि इनका मैं सुना सकूं, लेकिन आवाज़ काफ़ी हो रही थी, साउंड भी काफ़ी हो रहे थे, तो मैं नहीं सुना पाई। बट ये बता रहे हैं कि यहाँ जो कन्हैया जी खेलते थे यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की मिट्टी खाते थे, और खेल के फिर यहाँ एक सरोवर है रमन सरोवर, वहाँ पे वो स्नान करने जाया करते थे। तो यहाँ की मिट्टी इतनी पवित्र है कि इसको अपने पूरे शरीर से लगाना चाहिए, लेटना चाहिए इसकी मिट्टी में। तो यहाँ पे इसकी महत्व बता रहे हैं इसकी रेती का, मतलब मेन तो इसकी रेती है जो कि कन्हैया जी खेलते थे। इसलिए इस ब्रज रज के लिए ना देवता भी तरसते थे। और ये हैं जहाँ जो साधु संत रहते हैं उनकी कुटिया बनी हुई है, देखिए कितनी सुंदर कुटिया बनी हुई है बांस की। और अब हम लोग जा रहे हैं सरोवर की तरफ,
क्योंकि कहते हैं मिट्टी में खेल करके ही सरोवर में स्नान किया जाता है, और यहाँ मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी लेकर भी जाई जाती है। हम भी लेके आए थे थोड़ी, तो हम जा रहे हैं सरोवर की तरफ। बस आप यहाँ की खूबसूरती देख ही सकते हो, कितना प्रकृति का अगर आपको सुंदरता देखनी है तो यहाँ पे आना बनता ही है। जरूर आइए, आप लोग रिक्वेस्ट है, और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये मिट्टी के घर बने हुए हैं, ये भी साधु संत रहते हैं इधर। आपने शायद सुना होगा काशनी शरणानंद जी महाराज, ये उनका आश्रम है यहाँ पर, उन्होंने अपना आश्रम यहीं पे बनाया हुआ है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं पार्क, जो कि सरोवर के बिल्कुल किनारे पे पार्क बना हुआ है बच्चों के लिए। काफी देखिए कितने झूले और बहुत सारी चीजें बच्चों के खेलने के लिए बनी हुई है इधर। तो यहाँ बच्चे ले रहे हैं मजे, राघव भी है, राघव झूल रहा है, सारे बच्चे अपने मजे ले रहे हैं, झूल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमने भी झूला झूला था, हमने भी मतलब मस्ती करी खूब। तो एक तरह से पिकनिक स्पॉट भी बच्चों के लिए है ये, और धार्मिक जगह तो है ही है। तो यहाँ हम लोग भी झूला झूल रहे थे, मेरे को काफी डर लग रहा था क्योंकि तेज तेज झूला रही थी लड़कियां। फ्रेंड्स, ये जो जगह है, यहाँ कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दिए थे, और ये कोई झूठ नहीं है। ये ब्रज का स्वर्ग बोला जाता है इस जगह को। तो अब हम आ गए हैं सरोवर पे, आप देख ही सकते हो कितना सुंदर नजारा है सरोवर का। तो यो ये जो लाइन लगी हुई है, जो पाइप बंधे हुए हैं, इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि गहरा है काफी। बड़ी सतर्कता से नहाना चाहिए यहाँ पे, इधर ही इधर सब लोग हैं। ये जो तार बंधा हुआ है इसके पहले ही, अब आते हैं यहाँ के मेन चीज पे, जो है यहाँ की आरती। फ्रेंड्स, ये आरती तो आप जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ की आरती विचित्र ही होती है। यहाँ की आरती कोई इंसान नहीं करता, यहाँ की आरती करता है हाथी। तो पहले ये हाथी और हथनी का जोड़ा था, इनका नाम था राधा और माधव। तो हथनी जो है मर चुकी है, तो अभी हाथी ही रह गया है, तो यही करता है। आप देख सकते हो ये जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिरों में घूम घूम के आरती करता है। ये जो और साइड में मंदिर बने हुए हैं, इनकी आरती करेगा। फिर उसके बाद ये जो मेन मंदिर है बड़ा रमण बिहारी जी का, फिर ये वहां आ गया है अब। और वहां देखिए किस तरह से ये मस्ती में आरती करता है। ये नजारा देखने के लिए अदर कहाँ और ये बल्कि चला आ रहा है, हाथी ही आरती करता है यहाँ पर। और ये जो दिख रहा है आपको आरती करते हैं, क्योंकि जो हाथी और भगवान की आरती आए हैं, जगह की साफ या आरती करता है। आप देख लीजिएगा, अब ये देखिए हाथी कितनी मशीन होकर के आरती कर रहा है, नाचती है। हमेशा ही यही मतलब यही चीज लोग देखने आते हैं यहाँ पर, कोई इंसान नहीं है, हाथी आरती कर रहा है, हमेशा यही चल रहा है, बस हाथी चल रहा है। तो गाइस ये चीज मुझे मिस करना ही मत, और आप एक बार देखिए आकर के देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। बस मैं क्या बोलूं इसके बारे में, तो आप देखिए ये भीड़ को किस तरह से मैनेज किया हुआ है। जो मंदिर है और हाथी के बीच में कोई भी ना आ जाए, उसने जगह छोड़ी हुई है। जबकि आप देखते होंगे आरती के टाइम पे भीड़ सामने हो जाती है, बट यहाँ नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ भीड़ साइडों में होती है और हाथी आरती करता है, और जैसे जैसे अंदर पुजारी आरती करते हैं वैसे वैसे आरती भी करता है। तो यहाँ पे हाथी अभी घंटी की आरती जो बंद करेगा और चंवर डुराएगा कन्हैया जी के लिए, ये देखिए चंवर डुला रहा है। और आप मोर की आवाज भी सुन रहे होंगे, ये मेरे छत पे मोर बोल रहे हैं, मेरे घर पे ही। तो बस ये नजारा ब्रज में है और कहीं नहीं है, रियली फ्रेंड्स, ये कहीं नहीं है ब्रज के अलावा, सच में। बस अभी यही चीज ना देखने के लिए आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। और अभी ये बोलते हैं हाथी थोड़ा बुढ़ा हो चुका है, पर फिर भी नहीं,
और यहाँ पे जो लोग आरती के पैसे, ये नहीं कि जरूरी है पर हाँ देना चाहते हैं आरती के पैसे, तो आप यहाँ हाथी को देते हैं और हाथी आराम से लेता है और अपने मालिक को दे देता है। यहाँ मैंने भी दिया था पर भीड़ काफी थी, पर मैंने कोशिश करी मैं दे दूँ पैसे। और अब हम पहुंच चुके हैं चिंताहरण महादेव, जो कि गोकुल में ही है। और यहाँ पे आपको मान्यता बता दूं मैं आपकी चिंताहरण महादेव की, यहाँ पे जो शिवलिंग है इस शिवलिंग में ही 1108 शिवलिंग बनी हुई है। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जब कन्हैया जी ने मिट्टी खाई थी तो अपनी माँ को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया था, तो उस ब्रह्मांड के कारण माँ बड़ी परिचिंतित हो गई थी। तब शंकर जी ने उनकी चिंता को दूर किया था, उन्हें बताया था कि नहीं माँ, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तो परमपिता परमात्मा है। तो उनकी चिंता यहाँ दूर हुई थी, तब से यहाँ पे चिंताहरण महादेव का मंदिर है। क्योंकि शंकर जी जब दर्शन करने आए थे कन्हैया जी की, तो उन्होंने माँ ने दर्शन नहीं कराए थे ना डर की वजह से, तो कन्हैया जी यहीं धूनी रमा के बैठ गए थे कि मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। तो यहाँ पे इनका मंदिर है और यहाँ ब्रह्मांड घाट है जहाँ कन्हैया जी ने ब्रह्मांड दिखाया था। तो रात हो चुकी थी, वहाँ अलाउ नहीं था जमुना जी किनारे रात में जाना, तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए थे। और यहाँ पे हम सब लोग मिलके अभिषेक कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि यहाँ अभिषेक करने से 1108 अभिषेक का फल मिलता है एक ही शिवलिंग पे करने से एक ही बार। तो हम सब लोग मिलके अभिषेक कर रहे हैं यहाँ पे, और इस शिवलिंग में 1108 शिवलिंग बनी हुई है एक ही शिवलिंग में, तो ऐसा ही मानते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं अभिषेक। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि एक बार आओ से आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। ये यहाँ कुछ हमने फोटो लिए थे, सभी लोग जो जो आए थे वो सारे हैं इसमें ही, और ये मैं और राघव हैं, बाकी बहुत सारे लिए थे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता इसलिए नहीं। अब हम जा रहे हैं अपने घर पे, तो रात हो चुकी थी, हमको 9:30 बज गए थे घर, मतलब वहां से निकलते में ही 9:30 बज गए थे। और यहाँ का जो टाइम है ना सुबह के टाइम तो और ही अच्छा लगता है, सुबह आरती होती है वो भी हाथी ही करता है, और शाम के टाइम। तो हम लोग शाम को आए थे बच्चों के साथ, एकदम जल्दी में नहीं आना हो पाया था। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ तो लाइक कर दीजिएगा, और इसको जहाँ ज़्यादातर शेयर जहाँ तक हो सके आप शेयर करिएगा। मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ और लोग भी देखें, तो जाने ब्रज को अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, और हम लोग आ गए हैं लौट के, खाना भी खा लिया है, देखें थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए थे, चलना बहुत पड़ता था, एक तो वहाँ पर चलना बहुत पड़ा। और ये जो मैंगो से एक भैया ने बनाया है ये हम पी रहे हैं अभी, खाना तो हो गया हम लोगों का, बस अब ये पी के सोएंगे। तो मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी पी लीजिए। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।